गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आपका जो है ये टॉपिक कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है, जिसमें हम आपको प्रथम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल फार्मिक अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे। सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ेंगे और आते जाएं सभी लोग, और क्लास को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, और सब्सक्राइब जिन बच्चों ने ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले जो है वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे फार्मिक अम्ल से। तो फार्मिक अम्ल क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट के माध्यम से आप चैट कर सकते हो, बता सकते हो कि फार्मिक अम्ल क्या होता है। देखिए स्टार्ट करता हूँ फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल का बच्चों फार्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, प्रथम कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और इसका नाम है IUPAC मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल बच्चों, मेथेनोइक अम्ल को इस अम्ल की उपस्थिति के विषय में सर्वप्रथम वैज्ञानिक फिशर तथा रे ने बताया। फिशर तथा रे ने बताया, शुद्ध अवस्था में इसका निष्कर्षण सर्वप्रथम मारग्राफ ने लाल चींटी के भंजक आसवन से किया, इसी कारण इसका नाम फार्मिक अम्ल रखा गया, ठीक है। इसी कारण इसका नाम फार्मिक अम्ल रखा गया, लाल चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त होने के कारण इसका नाम फार्मिक अम्ल रखा गया। सबसे आप लोगों ने चेन रिएक्शन पढ़ी है, एल्केन का ऑक्सीकरण करते हैं एल्कोहल, एल्कोहल का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसी के माध्यम से हम सर्वप्रथम मेथिल एल्कोहल से बनाएंगे। यहाँ पे तो हम लोग मेथिल अल्कोहल लेते हैं। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। क्या होता है आप लोग बताएं? मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। जब आप एक स्टेप का इसका ऑक्सीकरण करोगे तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा, तो CH3OH जो है ऑक्सीकृत होकर के सबसे पहले बनाएगा SCHO, और SCHO का ऑक्सीकरण करेंगे तो SCHO ऑक्सीकृत होकर के बनाएगा HCOOH। HCOOH दिस इज फार्मिक एसिड, ठीक है। मेथिल अल्कोहल क्या बनाएगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये आपकी एक विधि हो गई। दूसरी विधि, आप लोग बहुत सारे प्रोसेस पढ़ रखे हो, आप बना सकते हो। जैसे आप फॉर्मेल्डिहाइड से केवल फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके बना सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी विधियाँ हैं आप उनसे बना सकते हो। तो इसकी एक और प्रयोगशाला विधि है, थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ग्लिसराल लेते हैं। ग्लिसराल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से करते हैं, जिसको हम साफ करेंगे बच्चों। तो जिन्हें जिसने नोट ना किया और नोट कर लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रयोगशाला विधि, साफ करते हैं इसको। देखिए हम लोग ग्लिसराल लेंगे। ग्लिसराल का फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इसकी क्रिया करवाते हैं किससे? ऑक्जेलिक अम्ल से करवाते हैं, इस तरीके से ऑक्जेलिक अम्ल से करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सर्वप्रथम इससे H2O बाहर हो जाता है। क्या निकल जाता है? H2O बाहर हो जाता है, और H2O बाहर होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि H2O बाहर हो गया तो बचेगा CH2COOC COOH CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे आप लोग, इतना नोट करें। क्या बचेगा उसको देखते हैं, जो बचता है उसको समझ लेते हैं। क्या बचता है? बचता है CH2O सी डबल बॉन्ड ओ, आगे क्या बचेगा? COOH, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से नोट करेंगे इसको। हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसका पहला एक स्टेप शॉर्ट स्टेप देखते हैं, शॉर्ट स्टेप के द्वारा ही ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग ऑक्जेरिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑक्जेरिक अम्ल लेते हैं, और इसको किसकी उपस्थिति में? ग्लिसराल की उपस्थिति में, ग्लिसराल की उपस्थिति में गर्म कर देंगे 110 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे गर्म करोगे तो इससे इतना पार्ट
इतना पार्ट CO2 के रूप में बाहर हो जाएगा, CO2 के रूप में बाहर हो जाएगा। तो बच्चों क्या बचा, बचा H और COOH, इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, SCOOH। एरो के उधर क्या बनेगा, SCOOH। नोट कर लें इसको जल्दी से। नोट कर लिए, वो विधि काफ़ी बड़ी है और उसमें बहुत समय लग जाता है, इस वजह से मैंने कहा कि रिएक्शन तो एक ही है तो इसको ऐसे समझा देते हैं। वहाँ पूरी मैकेनिज्म थी, हालांकि इसको हम बोर्ड के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। अभी फ़िलहाल आप इसमें पढ़िए, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, फास्ट ढंग से रिवीजन हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, भौतिक गुण इसके लिख लीजिए सभी लोग, मैं बोल रहा हूँ। नंबर एक, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, भौतिक गुण है या रंगहीन तीष्ण गंधयुक्त अत्यंत संक्षारक द्रव है। या रंगहीन, यह क्या है बच्चा, रंगहीन अर्थात कलरलेस है। यह रंगहीन तीष्ण गंधयुक्त अत्यंत संक्षारक द्रव है, त्वचा पर फफोले डाल देता है। क्या डाल देता है, त्वचा पर फफोले डाल देता है, त्वचा पर फफोले डाल देता है। दूसरा नंबर लिखें, या जल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पूर्णता विलेय है। जल, ये वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल है, विलेय है। कंपाउंड्स में क्या है, विलेय है, विलेय है, ठीक है। आगे लिखते हैं, इसका क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका बीपी जो होता है, बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और एमपी होता है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक 8.4 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक 8.4 डिग्री सेल्सियस होता है। बीपी कितना होता है, 100.5 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक गलनांक 8.4 डिग्री सेल्सियस। ये भौतिक गुण हो गए, अब रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। चलिए रासायनिक गुण की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहले बच्चों दहन किया जाता है, हालांकि आप सभी लोग जानते हो दहन क्या होता है। दहन, हेडिंग है दहन, तो हम लोग फॉर्मिक अम्ल लेंगे। रिएक्शन किससे करवाते हैं, दहन में O2 से। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है पहले से ही, क्या बनता है, CO2 प्लस H2O, ठीक है। क्या बनता है, CO2 प्लस H2O, ओके, CO2 प्लस H2O। एक बार फिर से देखें, HCOOH प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। बैलेंस है, देखिए CO2 H2O बैलेंस है, ये बैलेंस ना हो तो आप बैलेंस कर लें इसको। H तो 2 है, C 1 है, O 4 हो रहा है इसमें, उसमें O उधर 2 3 हो रहा है। अभी बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर लें। सबसे पहले H देखे कितने है? 2 हैं, इधर भी, इधर 2 हैं और इधर भी 2 हैं। C इधर 1 है, इधर भी C 1 है। ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, इधर 2 और 2 4 है। एक काम करते हैं, इसमें आधा O2 ले लेते हैं, तो आधा O2 मतलब 1 हो गया बैलेंस। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी रिएक्शन में आधा नहीं होता तो पूरी रिएक्शन में 2 का गुणा कर दो, पूरी रिएक्शन में 2 का गुणा, समझे क्या। देखिए 2 का गुणा का मतलब हुआ, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई, कहाँ, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, O2 में भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, O2 में भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, O2 में भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं बीच में इसको साफ कर रहा हूँ पहले इरेजर से। O2 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना है, कितने का, 2 का। फिर इसके बाद यहाँ CO2 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना है और H2O में भी 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब बताएं बैलेंस, 2 × 4H, 4H, 2C, 2C, ऑक्सीजन 2 × 4, 2 × 4, 4, 8, 2 × 4, 4, 2, 6 भी कहाँ बैलेंस भाई।
अच्छा आधा ओ टू में जब दो का गुणा करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, आधा ओ टू किया था, आधा का दुगना करेंगे तो दो ओ टू नहीं होगा, केवल एक ओ टू होगा, केवल एक ओ टू होगा ना, यहाँ पर केवल एक ओ टू ही होगा, अर्थात दो ओ टू नहीं होगा। अब रिएक्शन बैलेंस है, अब बैलेंस है, अब देखिए बैलेंस होगी, यहाँ दो दूनी चार, यहाँ पे क्या है, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो सी दो सी, दो दूनी चार, चार दो छः, देख लीजिए। बैलेंस रिएक्शन। आगे चलते हैं, अगली एडिंग डालें ऑक्सीकरण। चेन रिएक्शन आपने पढ़ी रखी है, बोलो ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा। ऑक्सीकरण सीधी सी बात है, फार्मिक अम्ल है, और फार्मिक अम्ल का आप ऑक्सीकरण करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और H2O बनता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नोट कर लें इसको। अब अगली हेडिंग डालें अपचयन। अब चैन एडिंग डालेंगे, एच C2OH प्लस 2H एरो, बैक हो जाएगी रिएक्शन, बन जाएगा एच CHO प्लस H2O, नोट कर लो, और CHO प्लस H2O। अगली हेडिंग डालें, इसके बाद सोडियम से क्रिया। सोडियम का संकेत क्या होता है बच्चों? Na होता है ना, तो हम लोग Na से क्रिया करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान दें, सोडियम से क्रिया होने पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमने पहले पढ़ा रखा है। फॉर्मिक अम्ल लेंगे और सोडियम से रिएक्शन कर देंगे, तो यहाँ फॉर्मिक अम्ल जो है सोडियम फॉर्मेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लीजिए, दो दो का मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे दो का गुणा, यहाँ पे दो का गुणा, यहाँ पे भी दो का गुणा, रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लें। चलिए अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। फॉर्मिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, यहाँ पे एच ओ एच मिल गया, क्या निकलेगा? H2O निकलेगा, तो बन गया जाके HCOONa प्लस H2O, HCOONa प्लस H2O। अगली एडिंग डालें, अगली एडिंग डालें मेथिल अल्कोहल से क्रिया। मेथिल फॉर्मेट बनेगा, ध्यान रखिएगा, मेथिल अल्कोहल से क्रिया HCOOH प्लस मेथिल अल्कोहल क्या होता है? CH3OH, ठीक है, एच और ओ एच मिलकर H2O निकलेगा, बन जाएगा HCOOCH3 प्लस H2O, HCOOCH3 प्लस H2O, मेथिल फॉर्मेट बनता है, मेथिल फॉर्मेट बनता है, ठीक है, ये हो गई मेथिल अल्कोहल से क्रिया। अगली एडिंग डालें PCl3 से क्रिया। PCl3
PCL 3 से एक चीज पक्का है, हमने पढ़ा रखा है H3PO3, ठीक है। तो बचता क्या है, 3 HCOCl बचते हैं, H3PO3 पक्का निकलता है, ठीक है। PCl5 से पक्का निकलने वाला है POCl3 प्लस HCl, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अगले डिनल है PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, HCOOH प्लस PCl5 प्लस क्या बनेगा बच्चों, बनेगा POCl3 और क्या निकलता है साथ में, अगर लास्ट में यहाँ पे H लगा है तो HCl भी निकलेगा, तो बचेगा क्या, फॉर्मिल क्लोराइड बनता है HCOCl, ये O है बच्चों, HCOCl फॉर्मिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन देखें, SOCl2 से, इसको नोट कर लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें। अगली रिएक्शन है SOCl2 से क्रिया, HCOOH प्लस SOCl2, इसका भी कॉन्सेप्ट है जैसे उसमें POCl3 HCl निकला था, इसमें SO2 और HCl निकलता है, इसमें क्या निकलता है, SO2 और HCl निकल जाता है, तो बचता क्या है, बचता है केवल और केवल HCOCl। अगली रिएक्शन ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फॉर्मिक अम्ल लेंगे 360 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देंगे, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस, 360, जैसे गर्म करेंगे तो इससे H2O निकल जाएगा, बन जाएगा CO प्लस H2O। आप लोगों ने गौर किया होगा ये वाटर गैस होता है, जल गैस है ना। चलिए आगे चलते हैं, अमोनिया से डालेंगे, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है बच्चों, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, क्या बनता है, अमोनियम फॉर्मेट बनता है HCOOH4, ठीक है, NH3 में एक H ऐड कर देंगे तो NH4 बन जाएगा। अगर अब अमोनियम फॉर्मेट को तेज गर्म कर दें तो सबसे पहले H2O निकलता है, इसको अगर गर्म कर दें तो H2O बाहर होता है, बन जाता है HCONH2, ठीक है, और इसको भी गर्म कर दें HCONH2 को, HCONH2 को जैसे गर्म करेंगे तो H2O इसमें भी निकलेगा, बन जाएगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अगले डिनाल है फेलिंग विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन क्या होता है, 2CuO होता है, जैसे भैया इसका ऑक्सीकरण फेलिंग विलयन से होगा, तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे CO2 H2O प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, सॉरी लाल अवक्षेप है, तो अवक्षेप का जो साइन होगा वो नीचे की ओर होगा इस तरीके से, CU2O क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, ठीक, ये फेलिंग विलयन से क्रिया है। अगली एडिनाल है टालिन अभिकर्मक से क्रिया, Ag2O, सेम रिएक्शन होनी है, इसको नोट कर लिया होगा। अब एडिनाल है टालिन अभिकर्मक से क्रिया, टालिन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, Ag2O होता है, इसको गर्म करेंगे सेम टू सेम वैसे ही निकलेगा, CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, प्लस रजत दर्पण का काला अवक्षेप, मतलब दो ठो सिल्वर बच जाते हैं, इसी को बोलते हैं रजत दर्पण का ब्लैक अवक्षेप, ब्लैक PPT प्राप्त होता है। अगली है हंस डीकर अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा आप लोगों ने हंस डीकर अभिक्रिया, पढ़ा होगा आप लोगों ने हंस
डीकर अपक्रिया। चलिए इसको बताते हैं, हम लोग सिल्वर फॉर्मेट लेते हैं, एस सी डबल ओ ए जी, रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन से। जैसे ब्रोमीन से करवाते हैं तो निकलता है सी ओ टू, निकलता है ए जी बी आर और निकलता है एच बी आर। ठीक, यहाँ से डीकर अभिक्रिया हो गई। तो लगभग रिएक्शन बच्चों कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरीके अगर आप कोई रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो आप बताइए उस अभिक्रिया का नाम, मैं आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से उसको सॉल्व करके बताऊंगा। बच्चों जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब किए करा जो है करें ज़रूर, और भी जो है अपने साथियों को जोड़ लिया करें। ठीक है बच्चों, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और कल हम आपको बोर्ड के माध्यम से क्लास में आपको टीच करेंगे, बोर्ड के माध्यम से क्लास चलेगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जुड़े रहें।